सिक्किम में भारी बारिश की वजह से हालातों को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। बारिश और भूस्खलन की वजह से लाचुंग में सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि नॉर्थ सिक्किम में ही फंसे हुए देशी विदेशी पर्यटकों को मिलाकर कुल संख्या 1189 है, जबकि 202 गाड़ियां भी मार्ग पर फंसी हुई है। इधर कालिम्पोंग के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय राजमार्ग 10 को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने पाबंदी लगाते हुए वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही का निर्देश दिया है। बारिश की वजह से मेल्ली ब्रिज, रबीझोरा और लिखुवीर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के कुछ हिस्सों को क्षति पहुंची है। इन प्रभावित इलाकों में जिला मजिस्ट्रेट ने वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगी।